अब तक का सबसे बड़ा और सुंदर मूर्ति यही है। मुझे सबसे बढ़िया ना यहाँ का डेकोरेशन लगा। हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बसंत पंचमी का दिन है, यानी कि आज सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा का शुभकामनाएं आप सभी को। साथ में और एक भी डे है, वो है ब्लैक डे, जो कि पुलवामा के घटना जो है हुआ था उसके बारे में तो याद ही होगा। दुख का भी दिन है और आज खुशी का भी दिन है, तो सब कुछ है। तो कोई बात नहीं, आज का ये ब्लॉग जो है सरस्वती पूजा के ऊपर है, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए। करीमगंज में जितने भी पूजा हो रहे हैं उनमें से कुछ कुछ जो है इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिए। इस तरह का ब्लॉग्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे इस तरह का ब्लॉग्स मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। ब्लॉग देख के अच्छा लगता है तो एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं सबसे पहले करीमगंज कॉलेज में आ गया हूँ। करीमगंज कॉलेज का पूजा देखने आ गया और यहाँ पर लोगों का भीड़ देख सकते हैं। रास्ते में भी उतना ही भीड़ है और यहाँ पर सामने देख सकते हैं सजावट कैसा है। तो डेकोरेशन मुझे यहाँ का काफ़ी सही लगा, काफ़ी बढ़िया और सुंदर डेकोरेशन किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सामने आते ही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अल्पना जो बोलते हैं रंगोली जो यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी सुंदर रंगोली जिसने भी आर्ट किया है काफ़ी सुंदर किया है। और ऊपर का डेकोरेशन देख सकते हैं, चारों तरफ देखिए भीड़ के साथ डेकोरेशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर सामने माता सरस्वती का मूर्ति देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सरस्वती माता का मूर्ति काफ़ी सुंदर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर पिछले बार से इस पर थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है, पर डेकोरेशन के साथ मूर्ति का सजावट भी बहुत ही सुंदर ही है। तो माता सरस्वती का तो मूर्ति देख लिया और यहाँ पर थोड़ा घूमा तो यहाँ पर अभिजीत भी मिल गया। जी हाँ, अभिजीत भी यहाँ पर घूमते हुए यहाँ पर रुक गया था, तो उसके साथ भी मुलाकात हो गया। और एक और इंसान से आप सभी को मिलाता हूँ और वो कोई और नहीं, अलोलिका है। अभी देखिए शुभजीत, शुभजीत का भाई शुभ चाची सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सभी हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर अभी लो कॉलेज में आए हैं, करीमगंज लो कॉलेज। चले यहाँ का मूर्ति देखते हैं पहले। तो करीमगंज लो कॉलेज के अंदर आते ही यहाँ पर सामने माता सरस्वती का मूर्ति देखने को मिलता है और यहाँ पर भी एक फूलों से घिरा हुआ यहाँ पर रंगोली देखने को मिलता है जो कि स्टार जैसा कुछ है, तो काफ़ी सुंदर ही लगा। और माता सरस्वती का मूर्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा है, तो छोटा है पर सुंदर ही मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ का मूर्ति देखने के बाद हम सब जो क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर खाना खाने आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ा हमें, उसके बाद जो है हम लोग जो है अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं खिचड़ी वगैरह जो कि पूजा में होता है ज़्यादातर, तो वही कुछ देखने को मिला। और हमारा पानी का ग्लास भी अभी तक भरा नहीं है, तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो शुभजीत ने स्टार्ट कर भी दिया खाना। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं फ्रंटियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूजा देखने। तो रोड क्रॉस करके हम लोग अंदर चलते हैं मेन गेट से। उसके बाद यहाँ पर लोगों का भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और आ भी रहे हैं और कुछ कुछ तो देख के जा भी रहे हैं, तो वही सबसे बढ़िया बात है। चलिए अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं यहाँ का मूर्ति वगैरह पेंडल वगैरह कैसा है। तो जल्दी जल्दी हम लोग पेंडल के सामने आ गए और आते ही भाई देख के हम तो चौंक गए भाई, यहाँ का पेंडल और मूर्ति देखिए भाई, हर बार की तरह पिछले बार जितना सुंदर था इस बार तो उससे भी सुंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पेंडल का सजावट बोलिए या फिर लोगों का भीड़ बोलिए, लोगों का ड्रेस बोलिए या फिर मुझे बोलिए, तो मैं तो मज़ा कर रहा था। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं माता सरस्वती का मूर्ति के साथ पेंडल कितना सुंदर है। तो गाइस अभी आ गए हम गोल्फ के फील्ड में जहाँ पर सरस्वती पूजा हो रहा है, तो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया गया है। तो आगे जाके मूर्ति भी दिखाऊंगा, पहले यहाँ का थोड़ा डेकोरेशन वगैरह देख लेते हैं। बहुत सुंदर सजावट किया गया है इस जगह पर। मुझे सबसे बढ़िया ना यहाँ का डेकोरेशन लगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी उठ सकते हैं, काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं चारों तरफ, और वो रहे माता सरस्वती जहाँ यहाँ से देखने को दिखाई दे रहा है पूरा, और चारों तरफ बस फूलों का झाड़ यहाँ पर लगाया गया है, काफ़ी रंग बिरंगा फूलों का झाड़ है। और यहाँ पर सूर्यजीत सिग्नेचर खा रहा है, छुपा लिया
ब्लॉग में आ जाएगा इसी वजह से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और चीची बोल रहा है, ज़्यादा चीची बोलने से क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ का मूर्ति पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती माता का मूर्ति देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सामने आ गया हूँ। और यहाँ पर पेंडल भी देखिए काफ़ी सुंदर है। और नीचे यहाँ पर अल्पना या फिर रंगोली वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, सब बीच में तो है ही, पूरा साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा साइड में यहाँ पर काफ़ी सुंदर रंगोली वगैरह यहाँ पर आर्ट किया गया है। और क्या है कि यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी बहुत सारे लगाए गए हैं, चाहे लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड, सभी तरफ जो है रंगोलियाँ ही रंगोलियाँ है, काफ़ी सुंदर सुंदर और अलग अलग देखने को मिल रहा है रंगोलियाँ। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पर रंगोलियाँ देखने को मिल रहा है। लाइट्स की वजह से रात में देखने में और भी बढ़िया लगेंगे, जी हाँ और भी बढ़िया लगेंगे। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये रंगोली वगैरह कितना सुंदर है वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वैसे ये देखने के बाद हम लोग जो है चले जाते हैं अगले वाले पर। तो अभी जो वाला पेंडल देख रहे हैं ये फायर ब्रिगेड के सामने वाला, यहाँ पर पेंडल देखने को मिलता है, छोटे जगह में बहुत ही सुंदर पेंडल बनाया गया है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में। तो यहाँ से मैं मेन गेट से एंटर हो रहा हूँ। तो यहाँ पर एंटर होने के बाद ही यहाँ पर सरस्वती का मूर्ति देखने को मिलता है, माता सरस्वती का मूर्ति भी यहाँ पर सुंदर ही है। पेंडल थोड़ा छोटा हो गया पर मूर्ति काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर टुनी का डेकोरेशन देख सकते हैं, रात को तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा रात में देखने में। तो मैं तो रात में नहीं आ सका इसी वजह से दिन में आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों यही है आज के इस ब्लॉग में, यही था करीमगंज सरस्वती पूजा 2024। आप कमेंट में ये ज़रूर बताए ना कि आपको सबसे बढ़िया पेंडल या फिर मूर्ति जो वो कौन सा लगा, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का ब्लॉग्स देखने के लिए पहले भी बोला था, आप भी बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा एंटरटेनिंग ब्लॉग्स मेरे चैनल पे हमेशा की तरह अपलोड होता रहेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करना। तो चलिए किसी और एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय।